हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव 1, चैप्टर 5। क्या बोला है कि अ स्मूथ वेज इज फिटेड इन अ चेंबर हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। एक चेंबर है जिसके अंदर एक वेज रखा हुआ है ए, और वो एक फिक्स सीलिंग से एक स्प्रिंग के थ्रू लटका हुआ है, ठीक है। अ ब्लॉक बी इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द वेज। यहाँ पर ये ब्लॉक बी रखा हुआ है, ठीक है। और जब उसको अपन रिलीज़ करते हैं तो वो टी टाइम लगाता है नीचे आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? इट टेक्स टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। अब इफ इफ द ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज एंड द केबल सपोर्टिंग द चेंबर इज ब्रोकन एट द सेम इंस्टेंट। क्या बोला है? जैसे ही अपन इस ब्लॉक को रखे, ठीक है, इस ब्लॉक बी को अपन यहाँ पर रखे, उस समय क्या हुआ कि ये केबल टूट गया, ठीक है, केबल टूट गया, या फिर अपन उसको कैंची से काट दिए, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा यार? ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि ये जो चेंबर है प्लस ये जो वेज है प्लस इसके ऊपर जो ब्लॉक बी रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा? फ्री फॉल में आ जाएगा। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ उनमें, सभी उनमें, चाहे वो चेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक ए हो, चाहे वो ब्लॉक बी हो, तीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी? ग्रेविटी। जब ऐसा होता है तो सबका एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली क्या होता है? जी डाउनवर्ड्स। और जब सबका एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब जो जहाँ था वहीं रहेगा, रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम एज इट इज़ गिरेगा। इसका मतलब बी जो है वो स्लाइड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, बी नीचे स्लाइड नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जी, फ्री फॉल का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। किसी ने अगर इंसेप्शन मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है, उन लोग कार से एक ब्रिज से गिरते रहते हैं। तो कार से अगर कोई लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर एक पानी का ड्रॉप भी है या फिर एक चम्मच है हवा में, तो वो चम्मच हवा की हवा में रहती है, पूरी की पूरी इन लोग सबके सब गिर रहे हैं नीचे, ठीक है ना। तो जो जहाँ पर रहता है वो वहीं पर रह जाता है। इन द सेंस, अगर एक लिफ्ट भी है, ठीक है, लिफ्ट में अपन क्या किए, दो पार्टिकल को ऐसे, और मान लो ये एक चम्मच है और यहाँ पर एक बॉल है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्री फॉल कर रहा है, तो ये चम्मच और बॉल ऐसा लगेगा अगर कोई बंदा लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, लिफ्ट फ्रेम में है और लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, तो इस बंदे को क्या लगेगा कि ये बॉल और हवा, चम्मच, सॉरी, बॉल और चम्मच हवा में लटक रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉल की, इस चम्मच की और इस लिफ्ट की रिलेटिव पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बॉल जहाँ था लिफ्ट के फ्रेम में वहीं रहेगा, चम्मच भी जहाँ थी लिफ्ट के फ्रेम में वहीं रहेगी, ठीक है ना। ये मतलब होता है फ्री फॉल का, ठीक है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा बात बता दिया मैं, ये इंसेप्शन इंसेप्शन वाली, ठीक है। मेन कहानी तो अपनी ये है, ठीक है। तो थैंक यू।